हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी बज रही है सुबह की 4:20 और मैं उठ चुकी हूँ और मुझे जाना है सुबह सुबह सैलून, जैसे कि मैंने कल बताया था। और कल का व्लॉग कैसा लगा, मज़ा आया कि नहीं आया? क्योंकि वेडिंग व्लॉग्स में एक शादी तो निपटा गई है, तो इसीलिए मैं आपको पूछ रही हूँ, बता दीजिए कैसा लग रहा है। और अभी चलते हैं फटाफट से, चिकू को यहाँ पे उठा रही हूँ। चिकू को उठा के बोलती हूँ मेरे को छोड़ आएंगे और फिर चिकू आके रेस्ट करेंगे। और आज तो मेरे थोड़ी जल्दी फ्री हो जाऊँगी, तो फिर आज पूरा दिन रेस्ट कर पाए पाऊँ, होप सो। तो चलिए चलते हैं शॉप पर। ये हमारी ब्राइड रेडी हो गई है, अंजना दीदी। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और मेकअप भी बहुत शानदार कर रहा है, बिल्कुल चेंज कर दिया है। ये अंजना दीदी के बहन कंचन दीदी रेडी हो गए। कैसा लग रहा है? बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। मेकअप कैसा लग रहा है आपको? बस आपको अच्छी लग रही है। थैंक यू। फाइनली मेरे सारे मेकअप हो गए हैं डन और अभी लास्ट ब्राइड है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड प्रिटी लग रही है। ये है हमारी ब्राइड जो कि कम्प्लीटली रेडी हो चुकी है और दुपट्टा वगैरह ड्रेप करना बाकी है। बट कैसा लग रहा है आपको आपका मेकअप? बस मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आज मैं सिर्फ अपने आप को देखती हूँ। और एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कैसा था मेकअप? एक्सपेक्टेशन से तो ऊपर ही। कल के मेकअप की थोड़ी सी मैं वो हो गई थी कि बस हाँ बस, पर ये वाला मेकअप लुक देख के मुझे बस हम वेट कर रही हूँ कब लोग मुझे देखें और मुझे कॉम्प्लीमेंट्स दें। चलिए आज का दिन एंजॉय कीजिए। okay, अब हम भी चलेंगे। थैंक यू रूमा दी। थैंक यू। ब्राइड कंप्लीट रेडी, जो कि दुपट्टा वगैरह ड्रैप करना था वो भी कर दिया है। ऊपर साड़ी वेयर करी है दो वो भी। ये पीछे की तरफ ही करी है जिससे इनका लुक है वो थोड़ा भी डिसमिस ना हो। यू कैन सी मैंने रेड साड़ी पहनी है, व्हाइट साड़ी पहनी है, पिंक दुपट्टा पहना है। और पिंक लहंगा, पिंक लहंगा पहना। ओके, अभी दोनों मेकअप कंप्लीट करके फ्री हो गए हैं और अभी मैं सलून के कर रही हूँ। अवेदने का काम सारा ज्योति ने कर दिया है, मैं मस्त झाड़ू लगा देती हूँ क्योंकि कोने कोने में कचरा है। कचरा निकल रही है देखो। अंदर क्लीनिंग वगैरह करवा के हो गई फ्री और ये टॉवल्स ले जाने हैं घर पे वॉश करने के लिए। शादी वादी हुई कंप्लीट, अभी घर जाऊंगी। नहाथ लिया था पर कुछ भी स्किन केयर वगैरह किया नहीं, अब वो करूँगी। चिकू को बोला है, चिकू आके वापस चले गए, मैं अंदर से बाहर आई। जबकि मार ले वही जाती है। पर अभी मैं एक घंटे की जबकि लूँगी फिर उठ के काम करूँगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। 3 घंटे ही सोई हूँ मैं सिर्फ, तो सोकर फिर मैं उठ के मिलूँगी। उठ गई मैं। उठ चुकी हूँ और अभी तो ये मैं फालतू में ट्रांजिशन दे रही हूँ क्योंकि मैं उठी, मैं सोई नहीं, जबकि मैं 10-15 मिनट लेट मुश्किल से सोई होंगी, सोई भी नहीं थी, बस लेटी हुई थी। और फिर मुझे लगा यार सो जाऊंगी, मेरी रात की नींद और ख़राब हो जाएगी, तो रात को प्रॉपरली सोने के लिए मैंने ऐसे किया। और अभी मेरा खाना बन चुका है, खाने में बना है आज आलू और फूलगोभी की सब्ज़ी, रोटी और चटनी, ऑल टाइम फेवरेट। खाना वगैरह सब हो गया है, नींद भी आ रही है, पर शॉप पर भी जाना ज़रूरी है, तो अभी जा रही हूँ मैं शॉप पर। शॉप पे जाने के बाद, आने के बाद मुझे तो ऐसी नींद आई, मैं थोड़ी देर तो सो गई। और अभी हमने शॉप मंगल करने का सोच भी लिया क्योंकि कल है ब्राइडल की सर्विस और ज्योति और मुझे काफ़ी काम है, तो इसलिए हमने सोचा क्यों ना आज जल्दी मंगल कर लेते हैं और पूरा यानी थोड़ा रेस्ट ज़्यादा करेंगे तो थोड़े एक्टिव रहेंगे, नहीं तो पूरा दिन नींद में ही थे, इसीलिए तो बीमार भी नहीं होना है ना हमको, हमारे घर में भी तो शादी है।
तो अभी चलेंगे हम घर पर और घर पर जाके रेस्ट करेंगे और अच्छे से आज तो खाएंगे पियेंगे। कल वापस से वही टाइम पे जल्दी उठ के सैलून पे आना है। But I can't see if you're right here next to me. Something's wrong, wasn't it fun? Is it now we're done? You get dressed, I'm like a mess. And you tell me to confess. And you tell me to confess. Oh, I don't know what to say, what to do, how to make you see. This is nothing can be life, it might just have been a bad dream. You can run, you can hide, but you can't put the blame on me. Because you're acting like a volcano, turning to be my savior. Nothing you do can save us, save us. गाड़ी completely wash हो गई है और अभी तो नई नवेली लग रही है एकदम। और चिकू ने ही वॉश किया आज तो, और चिकू ने इतनी व्यवस्थित वॉश की है। सबसे बेकार काम लगता है नहीं ये ऑनलाइन वाला नहीं। मैं हो चुकी हूँ तैयार क्योंकि आज है मम्मी पापा की एनिवर्सरी। काफ़ी स्पेशल है क्योंकि आज मम्मी पापा की शादी को 39 इयर्स कंप्लीट होते हैं और 14th बैठ गया है। और मैं यहाँ पर हो चुकी हूँ रेडी। अभी हम लोग जा रहे हैं होटल और यहाँ पर मैं थोड़ा काम भी कर रही थी। ड्राई क्लीनिंग के कपड़े वगैरह आ गए हैं तो इसको प्रॉपर सेट। तो अभी मैं ले लेती हूँ GoPro और इस कैमरे को यहीं पर रख देती हूँ। तो चलिए चलते हैं होटल। बर्थडे बॉय हैप्पी बर्थडे। नाम क्या है आपका? ईशान। आज फैमिली डिनर प्लान हुआ है बर्थडे पर निशान के। हाय कर दो। हेलो। खाना कैसा लग रहा है जनपद का ये भी बता दो। बिल्कुल नंबर वन है। बिल्कुल सही बात है। और बर्थडे कैसा गया अभी तक का? अच्छा गया। अच्छा गया, मजा आ रहा है? गिफ्ट भी अच्छा रहा। अच्छा क्या क्या है? पापा ने तो एयरपोर्ट दिए। अच्छा। और फिर भैया ने लैपटॉप दिया। दीदी ने क्या दिया ये बता तू तो। दीदी पापा का बराबर है। दीदी ने तो कुछ नहीं दिया। चलो हैप्पी बर्थडे आ गया। चैनल का क्या नाम है? रोमा निपेश। चलो थैंक यू। 3.78k। यस करोड़ है। वी विश के k के पीछे m लग जाए। हां बिल्कुल। थैंक यू आपकी विशेस के लिए। हम भी आएंगे फिर पार्टी। बिल्कुल बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज होगी फिर तो। खाना खा लिया है हम सब ने और अभी हम निकल रहे हैं। तो अभी आ गए हम होटल से खाना वगैरह खा कर और केक कट कर रहे हैं क्या अपन? कल करेंगे। तो मैं ये जो बिखेरा छोड़ के गई थी वो अब सही कर दूंगी। और मैंने आज मेरा न्यू टी शर्ट पहना है जो कि मुझे पता भी नहीं था कि चिकू ने मेरे लिए मंगवाया है। और मुझे इस टाइप के लूज़ टाइप के टी शर्ट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। काफ़ी नहीं, बहुत ज़्यादा। तो मैं कैसी लग रही हूँ बताओ? थैंक यू चिकू। तो अभी ये सारा बखेरा वेरना है। बखेरा सब कुछ अवेयर दिया क्योंकि अभी एक दो दिनों में वापस से घर में शादी है। अधिकतर दिन तो नहीं, 5-6 दिनों के बाद। तो ये सारा मैस उसके साथ हो गया ना तो इतना सारा बिखेरा हो जाएगा। सारा बिखेरा अवेयरते ही मेरे को नींद आ गई। तो अवेयर तो दिया है सारा और अभी मैं सो जाती हूँ। अगर यहाँ तक देखने के बाद ब्लॉग अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। मिलते हैं कल के अच्छे से ब्लॉग में। ओके बाय। बाय।